नमस्ते। आईटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी कर रहे हैं और सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंदर हैं, उनके लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स का एक आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आज हम बेल, बजर, सोल्डरिंग आयरन, स्विचेस और रिलेस इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल बैल, विद्युत घंटी। विद्युत चुंबक पर आधारित घंटी विद्युत घंटी कहलाती है। यह डीसी, एसी और डीसी एसी चालित प्रकार की होती है। एसी चालित बजर भी विद्युत घंटी जैसा ही कार्य करता है। विद्युत घंटी की संरचना आपके सामने है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बेल है, रीड है, लॉकिंग नट है, स्क्रू है, बैटरी और पुश बटन। इसमें एक विद्युत चुंबक घंटी, रीड, पेच, पुश बटन आदि हिस्से होते हैं। पेच व रीड का संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि विद्युत चुंबक का सर्किट इनके द्वारा ही पूरा होता है। उस स्विच को दबाने पर विद्युत चुंबक की कॉइल में से करंट प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। विद्युत चुंबक उत्तेजित हो जाता है और रीड को आकर्षित कर लेता है। रीड से जुड़ी धातु की गेंद घंटी पर चोट करती है। इसी बीच रीड का संबंध पेच से टूट जाता है और विद्युत चुंबकत्व समाप्त हो जाने से रीड वापस ऊपर उड़ जाती है। रीड के पुनः पेच को छूने से पुनः करंट प्रवाह प्रारंभ हो जाता है और उपरोक्त क्रिया दोहराती है। क्रिया के दोहराने की गति 25 से 50 कंपन प्रति सेकंड के लगभग होती है। इस प्रकार लोहे की गेंद 25 से 50 बार प्रति सेकंड की गति से घंटी पर चोट करके तीव्र ध्वनि पैदा करती है। इसका उपयोग विद्युत घंटी का घरों में, कार्यालय एवं होटल इत्यादि में कॉल बेल और वायरलेस यंत्रों में संकेत के रूप में प्रयोग की जाती है। तो ये एक इलेक्ट्रिक बेल के कुछ पार्ट्स अलग अलग हैं, ये आपके सामने हैं प्रस्तुत। और ये इलेक्ट्रिक बेल का पूर्ण परिपथ सभी भागों सहित, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में विद्युत घंटी का डायग्राम आ सकता है। ये भी कॉलिंग बेल है। बेल तथा बजर का जो प्रयोग है घरेलू सूचक उपकरणों तथा अलार्म प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। कॉलिंग बेल एवं बजर एक यांत्रिक युक्ति है जो विद्युत चुंबक के माध्यम से कार्य करती है। जब इसे विद्युत सप्लाई दी जाती है तो यह गूंज एवं कंपन के साथ ध्वनि उत्पन्न करती है। कॉलिंग बेल का आरेख दे रखा है, अभी आपने देखा था। जो आपको सरल लगे वो बना लीजिए, मैंने तीन दृश्य आपको दिखाए हैं। नीचे एकल द्वार यानी सिंगल डोर तथा दो द्वार यानी डबल डोर प्रणाली के लिए घरेलू सूचक उपकरणों का विवरण आरेख दर्शाए गए हैं। तो दोनों आपके सामने प्रस्तुत हैं। अब चित्र में एक इलेक्ट्रिक बेल का विभिन्न कमरों की वायरिंग के साथ संयोजन दर्शाया गया है। इलेक्ट्रिक बेल में लगे संयोजक पेच के द्वारा रीड के कंपनों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है और कॉलिंग बेल की जो टोन को परिवर्तित किया जा सकते हैं। तो कमरे की वायरिंग से इलेक्ट्रिक बेल का संयोजन किस प्रकार किए गए हैं, यह आपके सामने प्रस्तुत है। अब बजर का जो उपयोग है विद्युत घंटी के स्थान पर 230 वोल्ट एसी प्रचालित युक्ति के रूप में किया जाता है। इसमें एक लोह क्रोड युक्ति बड़ी कोयल एवं एक लोह रीड होती है। इसमें कोयल का रिएक्टेंस इतना रखा जाता है कि 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी पर कार्य कर सके। चित्र में बजर का सामान्य आरेख दर्शाया गया है। तो ये बजर का है, सिंपल आरेख आपके सामने प्रस्तुत है। कोयल, क्लैंप, लोह कोर, पुश बटन। एक बजर
हमारी परियोजना प्रणाली में ध्वनि सुविधाओं को जोड़ने के लिए एक छोटा सा दृढ़ घटक है। यह बहुत छोटा और कॉम्पैक्ट 2 पिन संरचना है, इसलिए इसे आसानी से ब्रेडबोर्ड, अनपैक्ड बोर्ड और यहाँ तक कि पीसीबी पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसे अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यापक रूप में उपयोग किए जाने वाला घटक बनाता है। आमतौर पर उपलब्ध होने वाले 2 प्रकार के बजर होते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि एक साधारण बजर है जो जब संचालित होता है तो एक कंटिन्यूस वीप बना देता है ध्वनि। दूसरे प्रकार को एक रेडीमेड बजर कहा जाता है, जो इससे अधिक थोकदार दिखाई देता है और एक बीप का उत्पादन करेगा। इसके अंदर मौजूद इंटरनल सर्किट के कारण ध्वनि, लेकिन यहाँ दिखाया गया है कि सबसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह हमारे ऐप में आसानी से फिट होने के लिए अन्य सर्किट की मदद से अनुकूलित किया जा सकता है। इस बजर का उपयोग केवल 4 वोल्ट से 9 वोल्ट तक बिजली की आपूर्ति का उपयोग करके इसे शक्ति प्रदान करके किया जा सकता है। एक सरल 9 वोल्ट बैटरी का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह विनिमय +5 वोल्ट या +6 विषय आपूर्ति का उपयोग करने की सिफारिश करता है। बजर आमतौर पर आवश्यक समय पर बजर को चालू या बंद करने के लिए एक स्विचिंग सर्किट से जुड़ा होता है और अंतराल की आवश्यकता होती है। अब सोल्डरिंग आयरन से पहले हम सोल्डरिंग के बारे में पढ़ेंगे। सोल्डरिंग क्या है? 2 धात्विक टुकड़ों को बिना पिघलाए जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो सोल्डरिंग कहलाती है। इस विधि में एक निम्न गलनांक वाली मिश्र धातु को पूर्व ऊष्मित जोड़ पर पिघली हुई अवस्था में भरा जाता है। यह पिघली हुई मिश्र धातु जोड़ के रिक्त स्थानों में भर जाती है और उसे स्थायी बना देती है। सोल्डर किए के जोड़ यांत्रिक रूप से सुदृढ़ होते हैं, उनकी वैद्युतिक चालकता उच्च होती है, वे संसारण रोधी हो जाते हैं। अब सोल्डर। सोल्डर एक कम तापमान पर पिघलने वाली मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु 2 या अधिक धातुओं का मिश्रण होती है। मिश्रण में धातुएं और उनकी प्रतिशतता उनके उपयोग पर निर्भर करती है। सोल्डर मुख्यतः निम्नवत 2 प्रकार के होते हैं। कठोर सोल्डर यानी हार्ड सोल्डर। जिस सोल्डर का गलनांक उच्च होता है वह कठोर सोल्डर कहलाता है। यह उच्च गलनांक वाली धातुओं जैसे तांबा, पीतल, लोहा, स्टील आदि पर प्रयोग किया जाता है। कठोर सोल्डर निम्नवत 2 प्रकार का होता है। पहला है स्पेल्टर सोल्डर। इसमें निम्न में से कोई एक संगठन हो सकता है। तांबा 50%, जस्ता 50% अथवा तांबा 67% और जस्ता 33%। दूसरा तांबा 50%, जस्ता 37%, टिन 13% और तीसरा है तांबा, जस्ता तथा कैडमियम। सिल्वर सोल्डर। इसका गलनांक स्पेल्टर सोल्डर की अपेक्षा निम्न होता है। इसमें निम्न में से कोई एक संगठन हो सकता है। तांबा 33%, चांदी 67%, तांबा 20%, जस्ता 10% और चांदी 70%। तांबा 20%, चांदी 10% और सोना 70%। तांबा 35%, जस्ता 55% और निकल 10%। अब आता है सॉफ्ट सोल्डर, नरम सोल्डर। इसका गलनांक कठोर सोल्डर की अपेक्षा निम्न होता है। इसका उपयोग तांबा तथा एल्यूमिनियम के छोटे जोड़ों पर किया जाता है। इसे सोल्डरिंग आयरन के द्वारा सरलता से पिघलाया जा सकता है। सामान्यतः यह टिन और शीशे का मिश्रण होता है। इसमें टिन की प्रतिशतता इसका गलनांक निर्धारित करती है। जिस सोल्डर में टिन की प्रतिशतता कम होती है उसे पिघलने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, और जिस सोल्डर में टिन की प्रतिशतता अधिक होती है उसे पिघलाने के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। तो निम्नलिखित तालिका में विभिन्न प्रतिशत के टिन लेड सोल्डर और उनके गलनांक प्रदर्शित है। जब टिन का 10% है और शीशे का 90% है तो गलनांक 300% है।
जबकि यदि टिन 90% है और शीशा 10% है तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल सकते हैं। उपयुक्त नरम सोल्डर तांबे के जोड़ों पर प्रयोग किए जाते हैं। एल्यूमिनियम के जोड़ पर प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर में टिन 70%, जस्ता 25%, एल्यूमिनियम 3% और फास्फोरस टिन 2% होता है। वैक्स और फ्लक्स का यूज़ करते हैं। यह एक लई अथवा चूर्ण के रूप में होता है जो जोड़ी जाने वाली धातु की सतह को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यह सोल्डरिंग में सहायता प्रदान करता है। यह निम्नवत कार्य करता है। यह सोल्डर को पिघलने में सहायता करता है। यह सोल्डर की जाने वाली सतह को साफ करता है। यह सोल्डर की जाने सतह का ऑक्सीकरण नहीं होने देता। यह सोल्डर को सरलता से जोड़ की सतह पर फैलाता भी है। किसी धातु की सतह पर धातु ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। जब कोई धातु गर्म की जाती है तो वह सरलता से वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करने लगती है। तो इस प्रकार पैदा हुई महीन परत एक अचालक का परत का काम करती है और सोल्डर को जोड़ की सतह पर फैलने से रोकती है। फ्लक्स की किस्में विभिन्न प्रयोजन हेतु विभिन्न प्रकार के फ्लक्स प्रयोग किए जाते हैं, परंतु अम्ल आधारित फ्लक्स वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक कार्य में प्रयोग नहीं किए जाते। फ्लक्स की प्रमुख किस्में निम्नवत हैं: जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, रेजिन, बोरेक्स, जैतून का तेल और तिल का तेल। यदि हम तांबा को जोड़ना है तो जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, रेजिन का यूज़ करेंगे। एल्यूमिनियम के लिए रेजिन और स्टेरिन का यूज़ करेंगे। जस्ता के लिए जिंक और क्लोराइड और गंध धातु के लिए रेजिन और जिंक क्लोराइड, पीतल के लिए जिंक क्लोराइड, रेजिन और एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, ये औजार एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का महत्वपूर्ण औजार है। ये वाटेज के अनुसार संदर्भित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए उपयुक्त वाटेज 15 वाट, 25 वाट, 35 वाट, 65 वाट। इसका उपयोग पुर्जों के सिरों को पीसीबी पर सोल्डर करने अथवा डी सोल्डर करने के लिए किया जाता है। तो ये सोल्डरिंग आयरन का सरल आरेख है। तो इसका चित्र भी आप बना लीजिए। अब आते हैं स्विच। विभिन्न प्रकार के स्विच विद्युत लाइन को ऑफ या ऑन करने, अर्थात विद्युत को चालू करने या समाप्त करने के लिए स्विच का प्रयोग किया जाता है। स्विच इस प्रकार का होना चाहिए कि वह ऑन करने पर तुरंत विद्युत को चालू कर दे, ऑफ करने पर तुरंत बंद कर दे, जिससे स्विच में स्पार्क न उत्पन्न होने पाए। स्विच स्वयं चलने वाले अर्थात ऑटोमेटिक और हाथ से चलने वाले होते हैं। ऑटोमेटिक स्विच विद्युत चुंबक से कार्य करते हैं और हाथ से चलने वाले स्विच दो प्रकार के होते हैं, मेन स्विच और ब्रांच स्विच। मेन स्विच 20 एम्पीयर से अधिक करंट व लाइन के लिए प्रयोग किए जाते हैं और ब्रांच स्विच छोटे छोटे सर्किट के विद्युत को कंट्रोल करते हैं। मुख्य रूप से स्विच निम्न प्रकार के हैं: टम्बलर स्विच, प्लस स्विच, नाइफ स्विच, आईसी मेन स्विच। टम्बलर स्विच घरेलू वायरिंग में 5 एम्पीयर तक के जितने स्विच प्रयोग किए जाते हैं वे सभी टम्बलर स्विच होते हैं। इन्हें सरफेस स्विच भी कहते हैं। ये स्विच राउंड ब्लॉक या बोर्ड पर लगाए जाते हैं। ये बेकेलाइट के बने होते हैं। ये स्विच भिन्न भिन्न डिजाइन के और भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इनके कार्य करने में सर्किट को शीघ्र तोड़ना, सर्किट टूटने का समय, टर्मिनल की स्थिति और साइज, वायरिंग का स्थान, कॉन्टेक्ट का कार्य, बेस इंसुलेशन आदि का भी ध्यान रखा जाता है। ये कई प्रकार के हैं: सिंगल वे और टू वे स्विच। सिंगल वे में यह केवल एक क्लैंप को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग होता है और टू वे स्विच इसमें 4 पॉइंट होते हैं। इनमें 2 आपस में शॉर्ट होते हैं, शेष में तार लगाए जाते हैं। ये सीरियो की वायरिंग या गोदाम की वायरिंग में प्रयोग होते हैं। इंटरमीडिएट स्विच जब 2 से अधिक स्थानों से लैम्प को कंट्रोल करना हो तो टू वे स्विच के साथ यह प्रयोग किया जाता है। बेड स्विच बेड से ही लैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच प्रयोग किया जाता है। ग्रिड स्विच ये मशीनों के साथ लगे होते हैं, जैसे पोर्टेबल ड्रिल मशीन इत्यादि में। डुप्लेक्स स्विच फ्लश स्विच ये स्विच 5 से 15 एम्पीयर करंट रेटिंग के होते हैं। देखने में अच्छे होते हैं। इन्हें दीवार के अंदर लगाया जाता है। केवल ऑन ऑफ का भाग ही दिखाई देता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में यही प्रयोग किया जाता है। इसमें धूल पानी आदि अंदर नहीं जाने पाता, इस कारण कॉन्टैक्ट पॉइंट साफ रहते हैं और शीघ्र ही ऑन ऑफ हो जाते हैं। अधिक करंट प्रवाहित होने पर इसके पॉइंट खराब हो जाते हैं। ये सिंगल वे और टू वे स्विच होते हैं। नाइफ स्विच
ये स्विच बिना कवर के होते हैं, इस कारण ये केवल ऐसे स्थान पर लगाए जाते हैं जहाँ धूल पानी आदि न पहुँच सके, प्रत्येक मनुष्य भी उसके समीप न जा सके। ये बड़े बड़े वर्कशॉप, सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन आदि पर प्रयोग किए जाते हैं। ये सिंगल थ्रो, डबल थ्रो प्रकार के होते हैं। सिंगल थ्रो में एक ही लाइन ऑफ ऑन की जाती है, जबकि डबल थ्रो में दोनों ओर टर्मिनल होते हैं, एक लाइन ऑफ करके दूसरी लाइन ऑन की जाती है। हैंडल बेकलाइट का होता है, जिसे पकड़कर ऑन ऑफ किया जाता है। ये सिंगल फेज और थ्री फेज लाइन के लिए पृथक पृथक प्रकार के होते हैं। इनके ब्लेड हाई ट्रन हायर्ड कंडक्टिविटी कॉपर के बने होते हैं। इस पर कनेक्शन पीछे की ओर किए जाते हैं। ये 30 1000 एम्पियर तक के होते हैं। तो सिंगल थ्रो नाइफ स्विच है एक, तो डबल थ्रो नाइफ स्विच। आईसी मेन स्विच, इसका पूरा नाम आयरन क्लैड मेन स्विच होता है। इसका आवरण कास्ट आयरन का बना होता है, अंदर फ्यूज कटआउट लगे होते हैं, नीचे की ओर यू टाइप की पत्तियां लगी होती हैं, बाहर हैंडल लगा होता है। हैंडल को ऊपर करने से ऑन और नीचे करने से ऑफ होता है। इसके अंदर की पत्ती ऑन करने पर फ्यूज कटआउट के पॉइंट से मिल जाती हैं और ऑफ होने पर पृथक हो जाती हैं। स्विच से बाहर जाने वाले तार ऊपर की ओर तथा तो लाइन के तार नीचे की ओर लगाए जाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, ICDP और ICTP, अर्थात आयरन क्लैड डबल पोल मेन स्विच और आयरन क्लैड ट्रिपल पोल मेन स्विच। यह 15 एम्पियर से 300 एम्पियर के होते हैं। सिंगल फेज सप्लाई लाइन में ICDP और थ्री फेज सप्लाई लाइन में ICTP मेन स्विच प्रयोग किए जाते हैं। ICTP में न्यूट्रल लिंक और अर्थिंग टर्मिनल भी होता है। तो ICDP स्विच और ICTP स्विच दोनों आपके पास सामने ये प्रस्तुत हैं। ICDP ये डबल पोल, और ICTP ये ट्रिपल पोल। ये फ्लैश टाइप सिंगल वे स्विच हैं, जो कि घरों में यूज किए जाते हैं सभी जगह। फ्यूज़ कटआउट और उसके प्रकार, अब फ्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। फ्यूज़ कटआउट एक उपकरण है जो सर्किट में अतिरिक्त करंट से होने वाले हानि से रक्षा करता है। इसमें निर्धारित करंट का फ्यूज तार लगा होता है। सर्किट में शॉर्ट सर्किट या अधिक लोड होने पर निर्धारित करंट से अधिक करंट सर्किट में प्रवाहित होता है, तो सर्किट में लगे तार और उपकरण को हानि होने लगती है। यदि इसमें निर्धारित करंट का फ्यूज तार लगा हो तो वह उड़ जाएगा और सर्किट ओपन हो जाएगा। फ्यूज तार के लगाने वाले उपकरण को फ्यूज कटआउट कहा जाता है। फ्यूज कटआउट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, किट कैट फ्यूज कटआउट और कार्टिज फ्यूज कटआउट। अब किट कैट फ्यूज कटआउट, इस फ्यूज कटआउट में दो भाग होते हैं। एक भाग फिक्स रहता है, जिसमें फ्यूज बेस कहते हैं, और दूसरा ऊपर लगने वाला फ्यूज कैरियर होता है। फ्यूज कैरियर में निश्चित करंट का फ्यूज तार बांध दिया जाता है। फ्यूज उड़ जाने पर फ्यूज कैरियर को निकाल कर पुनः बांध दिया जाता है। इसमें मेन स्विच को ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये फ्यूज कटआउट अधिकतर मकानों में प्रत्येक सर्किट के लिए पृथक पृथक लगाया जाता है। मकानों में अधिकतर 15 एम्पियर के प्रयोग होते हैं। कार्यशालाओं में 300 एम्पियर तक के प्रयोग किए जाते हैं। ये पोर्सिलिन के बने होते हैं। यह लोहे के कवर में भी बंद रखे जाते हैं। ये फ्यूज कैरियर और एक फ्यूज बेस। अब आता है कार्टिज फ्यूज कटआउट। यह एक फ्यूज होता है जिसमें कॉन्टैक्ट करने वाले फ्यूज लिंक इंसुलेटेड पदार्थ की ट्यूब के आकार में एक कंटेनर से लगी होती है। इसके दोनों ओर सिरे सील होते हैं, जिससे वायु अंदर न जा सके। ट्यूब के अंदर फ्यूज तार और पाउडर होता है। फ्यूज लिंक सर्किट को जोड़ने और खोलने के लिए लगाई जाती है। यह टिन की हुई कॉपर या अलॉय, जिसमें 63% तांबा और 37% टिन होता है, की बनी होती है। ट्यूब के ऊपर एक इंडेक्स सर्कल होता है। इस पर अंदर की ओर कागज़ लगा होता है। फ्यूज के उड़ जाने पर यह कागज़ काला पड़ जाता है। इसी को देखकर ज्ञात होता है कि फ्यूज उड़ गया है अथवा नहीं। फ्यूज उड़ने पर उत्पन्न होने चिंगारी को समाप्त करने के लिए इसमें पाउडर भरा होता है। फ्यूज उड़ जाने पर नया कार्टिज फ्यूज ही लगाना पड़ता है। ये कार्टिज फ्यूज आपके सामने प्रस्तुत। अब HRC फ्यूज, इसका पूरा नाम है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है। यह अधिक करंट को नियंत्रित करता है।
करना है। इसमें एक विशेष गुण होता है कि किसी कारण से लाइन में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड के कारण अधिक करंट प्रवाहित होता है तो कुछ क्षण तक यह सहन कर लेता है। इस समय में यह दोष दूर हो जाए तो यह फ्यूज़ वैसा ही रहता है। यदि दोष दूर न हो तो फ्यूज़ उड़ जाता है। यह कार्टेज फ्यूज़ कटआउट की भांति होते हैं। इसमें कांच या पोर्सलिन का ट्यूब आकार का कार्टेज होता है जिसमें केमिकल पाउडर पर होता है। यह एयर टाइट होता है जिसमें बाहरी वायु अपना प्रभाव नहीं डाल पाती क्योंकि बाहरी वायु ऑक्सीडेशन करके फ्यूज़ तार को कमज़ोर बना देती है जिससे इसमें निर्धारित करंट के प्रवाहित होने की क्षमता कम हो जाती है। ये 30, 60, 100, 200, 300 और 500 एम्पीयर के बनाए जाते हैं। पावर के लाइन में आजकल ये अधिक प्रयुक्त किए जाते हैं। तो अच्छा सी फ्यूज़ आपके सामने ये है। यह है डी टाइप फ्यूज़। ये इसका फ्यूज़ कैप है और फ्यूज़ बेस है। ये रिवर्सिबल फ्यूज़ है। ये आपके सामने HRC फ्यूज़ है। अब देखिए आपके सामने इलेक्ट्रोमैकेनिकल बजर बजर आपने भी देखो जो आप पढ़े तो उसका ये आरेख इस प्रकार है। बजर डायफ्राम आउटर बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेट है सप्लाई टर्मिनल। ये इलेक्ट्रिक बजर का एक दूसरा रूप है। इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है सॉफ्ट आयरन पीस है यही सप्लाई मेटल स्ट्रिप इस प्रकार लगी हुई है। कार्टेज फ्यूज लिंक को दिखाया गया इसको लगाने का तरीका अभी आपको दिखाया था। ये रिवर्सिबल फ्यूज है। और डी टाइप कार्टेज फ्यूज ये भी अभी देखा था। ये प्लग तथा सॉकेट आउटलेट ये 3 पिन प्लग एंड सॉकेट आउटलेट ये प्रकार का। अब आता है टाइप्स ऑफ रिलीज। रिले अनेक प्रकार की होती है परंतु वैद्युतिक तथा एवं इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग की जाने वाली रिले निम्नवत है। विद्युत चुंबकीय रिले और तापीय रिले। विद्युत चुंबकीय रिले जो होती है निम्नवत 3 प्रकार की होती है। धारा संवेदी रिले करंट सेंसिंग रिले। धारा संवेदी रिले उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के पूर्व निर्धारित उच्च सीमा मान पर पहुंचने पर उत्तेजित होती हैं। इस प्रकार की रिले सामान्य 100 मिली एम्पियर से 10 एम्पियर धारा परास्पर बनाई जाती हैं। फिर वोल्टता संवेदी रिले। वोल्टता संवेदी रिले उसके वोल्टता मान के एक पूर्व निर्धारित मान से अधिक हो जाने पर उत्तेजित होती है और इस प्रकार की रिले सामान्य 3 वोल्ट से 24 वोल्ट परास वोल्टता परास में बनाई जाती हैं। अधो धारा संवेदी रिले अंडर करंट सेंसिंग रिले। अधो धारा संवेदी रिले उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के पूर्व निर्धारित मान से घट जाने की स्थिति में उत्तेजित होती है। इस प्रकार की रिले अलार्म तथा अन्य सुरक्षा युक्तियों में प्रयोग की जाती है। विद्युत चुंबकीय रिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले वह विद्युत चुंबकीय युक्ति जिससे एक साथ कई सर्किट को आवश्यकता के अनुसार ऑन या ऑफ किया जा सकता है चुंबकीय रिले या केवल रिले कहलाती है। यह प्रायः 3 वोल्ट से 24 वोल्ट तक DC पर कार्य करती है परंतु आवश्यकता के अनुसार इससे अधिक वोल्टेज पर कार्य करने वाले रिले भी बनाए जा सकते हैं। कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले रिले मिनिएचर रिले भी कहलाती हैं। इसकी संरचना है इसमें मुख्यतः एक विद्युत चुंबक रीड नो तथा NC संयोजक नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज्ड कंटेक्ट होते हैं। तो आपके सामने अब ये चुंबकीय रिले का आरेख सामने है इसको देख लीजिए। ये कैसे कार्य करती है। विद्युत चुंबक को DC सिग्नल देने पर उत्तेजित हो जाता है और रीड को आकर्षित कर लेता है। रीड के साथ जुड़े NO संयोजक वांछित सर्किट को जोड़ देते हैं और NC संयोजक वांछित सर्किट को ओपन कर देते हैं।
इसके द्वारा कंट्रोल सर्किट को निम्न वोल्टेज पर चलाया जा सकता है। इसमें वैद्युतिक शक्ति व्यय कम होता है एवं ऑपरेटर को विद्युत झटका लगने की संभावना भी नहीं रहती। ये केवल पूर्व निर्धारित वोल्टेज तथा करंट के मान पर ही कार्य कर सकती है, इससे कम पर नहीं। ट्रांजिस्टर सर्किट युक्त रिले से रिमोट कंट्रोल व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। NO तथा NC संयोजक सिल्वर या प्लेटिनम धातु के बनाए जाते हैं और ये अच्छा विद्युत संबंध स्थापित करते हैं। इनका उपयोग रिसीवर, ट्रांसमीटर, रेफ्रिजरेटर, वोल्टेज स्टेबलाइजर, टेलीफोन कंट्रोल सर्किट एवं रिमोट कंट्रोल सर्किट में किया जाता है। थर्मल रिले, इसमें मुख्यतः एक द्विधातु यानी बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है जो तापमान परिवर्तन से अपना आकार परिवर्तित कर लेती है। इसके तापक तंतु का आवश्यक तापमान तक उष्मित होने में कुछ समय लगता है और तत्पश्चात द्विधातु पत्ते का तापमान बढ़ाने में कुछ समय लगता है। अतः तापीय रिले का उपयोग समय विलंब रिले के रूप में किया जाता है। तापीय रिले की संरचना को एक निर्वात पात्र अथवा बल्ब में बंद कर दिए जाते हैं। तो ये तापीय रिले का आरेख है। बायोमेटेलिक स्ट्रिप, हीटिंग एलिमेंट, ऑपरेटिंग सप्लाई है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट एडजस्टमेंट स्क्रू है और बैक स्टॉप है। ये थर्मल रिले हैं। ये बक होल्स रिले हैं। ट्रांसफर के चैप्टर में हमने पढ़ा था बक होल्स रिले। ये अट्रैक्शन टाइप रिले हैं। ये इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले की आंतरिक बनावट है। ये इंडक्शन टाइप रिवर्स पावर रिले की आंतरिक संरचना है। तो रिले के जितने भी हैं आरेख, इनको आप अच्छे से देख लें। ओवरलोड रिले, वायरिंग डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। फिर बायोमेटेलिक ओवरलोड रिले। तो ये जितने भी प्रकार के रिले हैं उन सब के हमने आरेख देखे हैं। इनको आप अपने स्केच बुक में बनाइए। थैंक यू।